हेलो बच्चों, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आज स्टडी करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है ये आप अच्छे से समझते होंगे। आपको लगता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जब हम अपने घर से अपने मामा जी के घर जाते हैं, मामा जी के घर से बुआ जी के वहाँ जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, एनिमल्स के अंदर, शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कमाल की बात है। तो कैसे हो रहा है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि खाने को, अपने को ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स को जो चीज़ें चाहिए हैं उनमें फूड है, उनमें वाटर है और है ऑक्सीजन। तो अपने को ये तीन चीज़ें चाहिए, फूड चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, वाटर चाहिए है। तो ये सब अपने शरीर के अंदर एक जगह से मुंह से खा लिया, पेट में चला गया, फिर पेट से पूरे शरीर में कैसे मूव करते हैं, कैसे ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानना अपने को। तो आप ये फिगर देखेंगे, फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हार्ट दिखाई दे रहा है, ये वेन दिखाई दे रही है, आर्टरी दिखाई दे रही है। मतलब ये क्या है, ये वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जिनमें से ब्लड सप्लाई हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है और ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड का, हार्ट का क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन में और एनर्जी को सर्कुलेट करने में पूरे शरीर के अंदर, वो पढ़ते हैं। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। फंक्शन क्या है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना और एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना। ये जो वेन्स वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं जिन्हें हिंदी में नस कहते हैं, और ये दिल दिखाई दे रहा है, हार्ट, ये क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्या क्या पार्ट हैं। सबसे पहले आता है बच्चे ब्लड। जब आपने कभी देखा होगा कि आपको चोट लग गई है, कट लग गया है, तो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये रेड रेड कलर का जो भी बाहर निकल रहा है बच्चों, यही एक खून, यही तो खून है। ब्लड इज़ द फ्लूड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ये जो नीली और ये दूसरे कलर की जो आपको दिखाई दे रही हैं लाइन्स, इनको कहते हैं बच्चे वेसल्स। इनके अंदर जो ये फ्लूड बह रहा है, ये जो लिक्विड बह रहा है, यही ब्लड है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे जाके हमारा खाना पच जाता है और वहाँ से फिर वो खाना जो है एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड में मिल जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड में मिल जाता है और फिर ब्लड के सहारे वो पूरे शरीर के साथ साथ पूरे शरीर में घूमता रहता है और पूरे शरीर के ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। और लंग्स में से जो ऑक्सीजन हमने ली थी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, वो भी ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होके पूरे शरीर में घूमती है। तो जो ब्लड है वेसल्स में डाइजेस्टेड फूड को और ऑक्सीजन को लेके ट्रांसपोर्ट करता रहता है, और जो वेस्ट है शरीर में उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करके किडनी तक लेके जाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड भी हैं, ऑक्सीजन भी है और वेस्ट मटेरियल भी है जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जिसको वो बाहर निकालना चाहता है, वो भी ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। ब्लड के अंदर ये सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ये सोचने वाली बात है। ब्लड इज ए लिक्विड, ब्लड एक लिक्विड है विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट। ब्लड एक लिक्विड है जिसके अंदर तीन तरीके की सेल होती हैं। सेल आप पढ़ चुके हैं, सेल क्या हैं बच्चे। सबसे पहले जो आती है वो होती है रेड ब्लड सेल, और जो ये फ्लूड पार्ट है बच्चे, पहले एक बार इसके बारे में और जान लेते हैं। जो ये ब्लड है ये लिक्विड क्यों होता है, ये होता है बच्चे प्लाज्मा के कारण। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो होता है, तीन तरीके की सेल होती हैं, एक रेड ब्लड सेल, एक होती हैं वाइट ब्लड सेल और एक होती हैं प्लेटलेट्स। तो ये रेड ब्लड सेल क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल या फिर इनको RBC भी कहते हैं, इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन।
और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारे खून का रंग है वो लाल होता है। ठीक है, जब हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, आप में खून की कमी तो नहीं है, तो वो खून की कमी का मतलब वो हीमोग्लोबिन ही चेक करते हैं कि हमारे शरीर में, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी क्वांटिटी है। हीमोग्लोबिन का बच्चे काम क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ चिपकाए रखता है और पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कराता है उसको। ठीक है, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऑक्सीजन खून के साथ सप्लाई होके ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट कम करेगी, जिससे एनर्जी कम मिलेगी, जिससे खाना अच्छे से पचेगा नहीं और हम बीमार रहना शुरू कर देंगे। तो इस हीमोग्लोबिन को ही चेक करते हैं वो कि ये कम तो नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए अगर आप में कमी है तो फिर आपको वो पालक की सब्ज़ी, पालक के लिए बोलेंगे, हरी जो भी पत्तेदार सब्ज़ियाँ हैं, आपको गुड़ के लिए भी बोलेंगे, आपको चने के लिए बोलेंगे, आपको खट्टे फल खाने के लिए जैसे कि नींबू, संतरा, ये फल खाने के लिए आपको डॉक्टर कहेगा, या फिर आयरन टैबलेट्स कहेगा। अगर उनसे भी आपको इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, आपका खून नहीं बढ़ रहा है, तो आपको बोलेगा कि आप आयरन टैबलेट्स लो। तो वो ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ही होता है, जिससे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होना फिर से स्टार्ट हो जाए। फिर दूसरे तरीके की सेल जो होती हैं बच्चे, वो होते हैं वाइट ब्लड सेल, उन्हें कहते हैं WBC भी कहते हैं। और ये क्या करती हैं बच्चे, अपने को बीमार होने से रोकती हैं। वाइट ब्लड सेल जो हैं हमें बीमार होने से बचाती हैं, ये प्रोटेक्टिव सेल होती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी जर्म्स एंटर कर गया तो ये उसे मार देंगी और हमें बीमार नहीं होने देंगी। ठीक है, आप देखते होंगे कभी भी मौसम चेंज हो रहा है, या बारिश में भीग गए हो गलती से, या आपने कुछ ठंडा खा लिया है, तब भी आप बीमार नहीं पड़ रहे हो। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो अपना काम कर रही हैं। अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रही हो, अगर इनकी क्वांटिटी कम हो जाए, तो हम बीमार जल्दी जल्दी होना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर एक तीसरे तरीके की सेल होती हैं बच्चे, ये होती हैं प्लेटलेट्स। इनका क्या काम होता है, जब हम कभी गिर जाते हैं, कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद जब हम उस पर हाथ लगा के उसको हटाते हैं तो देखते हैं कि छोटा मोटा अगर वो कट था तो खून जो है अपने आप बंद हो गया है और उसके ऊपर एक रेड कलर का क्लॉट बन गया है, मतलब एक थक्का सा बन गया है और वहाँ से खून बहना अपने आप बंद हो गया है। तो ये जो खून बहना बंद हो गया है बच्चे, ये हुआ प्लेटलेट्स के कारण। इन प्लेटलेट्स ने एक क्लॉट बना दिया है, एक उसको कवर बना दिया है जहाँ पर चोट लगी थी, उसको बंद कर दिया है कि उसमें से खून ना बहे। तो ये काम प्लेटलेट्स करती हैं। और कई बार जब हमारी प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, कम हो जाती हैं, तो इसीलिए फिर हमें नारियल पानी या फिर बकरी का दूध, ऐसा कुछ भी बताते हैं, पपीता खाना, नारियल पानी पीना, ये सब चीज़ें हमें बताते हैं, और ज़्यादा सीरियस होने पे एडमिट होना पड़ता है डॉक्टर के पास। सो द क्लॉट इज़ फाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स की वजह से वो ब्लड क्लॉट बनता है बच्चे, जिससे कि हमारा खून रुक जाता है। तो आज हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, उसका लिक्विड होना है प्लाज्मा के कारण, उसके अंदर रेड ब्लड सेल हैं RBCs, जिनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसकी एब्सेंस में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है। दूसरी होती हैं वाइट ब्लड सेल, जिन्हें WBC भी कहते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी, जो जर्म्स हमारे शरीर में घुस जाते हैं उनको ये ख़त्म कर देती हैं। और तीसरे टाइप की जो सेल हैं वो कहते हैं बच्चे प्लेटलेट्स, ये बनाती हैं क्लॉट, चोट लग जाने पे खून ना बहे वो क्लॉट बनाती हैं, ये होती हैं प्लेटलेट्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।